किसान भाइयों, शुरुआत राइट हो तो फ्यूचर ब्राइट जरूर होता है। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे कीटनाशक के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें कि दो केमिकल का कॉम्बिनेशन है और दोनों केमिकल मिलकर के सभी फसलों में चूसने वाले और चबाने वाले कीटों को बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका अपना किसान दोस्त मुकेश प्रधान और आप लोग देख रहे हैं सीजी किसान टीवी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपाची कीटनाशक के बारे में बात करने वाले हैं। अपाची कीटनाशक की क्रॉप स्प्रे से लेकर के इसकी पैकिंग एंड प्राइस तक पूरा जानकारी बताने वाले हैं, इसलिए अपाची कीटनाशक की A to Z जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम खेती से संबंधित सभी दवाइयों की A to Z जानकारी लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, अपाची कीटनाशक UPL कंपनी का आता है और इसका जो केमिकल एंड फार्मुलेशन है इसमें फिप्रोनिल 15%, इसी के साथ फ्लोनिकामाइट 15%, जो कि WDG फार्मुलेशन में आता है। WDG का मतलब वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेनुअल्स होता है, जो कि छोटे दानेदार सेब के आकार में आता है। और किसान भाइयों, यह जो WDG फार्मुलेशन में जितने भी दवाई आते हैं इसमें जो भी केमिकल आते हैं बहुत ही सिक्योर पाए जाते हैं और इसका रिजल्ट भी हमें 100% देखने को मिलता है। तो आप जान लेते हैं अपाची कीटनाशक की मोड ऑफ एक्शन यानी कि काम करने का तरीका क्या है। तो अपाची कीटनाशक में दो केमिकल का कॉम्बिनेशन है, इसलिए यह दोहरी तरीके से कीटों को मारता है। इसमें जो फिप्रोनिल है यह फिनाइल पैराजोल ग्रुप का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक है, जो कि कॉन्टैक्ट और इंजेक्टिव दोनों तरीके से काम करता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक होने के कारण यह एक साथ कई सारे कीटों को मार सकता है। इसी के साथ इसमें स्टोमेक एक्शन भी है, जिसे कि इसे स्प्रे करने के बाद यह कीटों के मुंह के द्वारा कीटों के अंदर जाता है और कीटों की सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करके उन्हें लकवाग्रस्त करके मार देता है। इसमें एक्रोबेटल एक्शन भी है, जिसे कि इसे स्प्रे करने के बाद यह आने वाले नए पत्तियों को कीटों के हमलों से बचाता है। इसी के साथ फिप्रोनिल में फिनाइल होने के कारण इसमें फाइटोटोनिक इफेक्ट भी पाया जाता है, जिससे कि इसे स्प्रे करने के बाद यह फसलों को हरा भरा करके उसमें ग्रोथ लाता है, उन्हें सशक्त बनाता है। और जो फ्लोनिकामाइट है यह पायराडाइन कार्बोक्सामाइड ग्रुप का कीटनाशक है, जो कि कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों तरीके से काम करता है। इसमें नॉकडाउन एक्शन भी है, जिससे कि इसे स्प्रे करने के बाद कीट तुरंत भोजन करना बंद कर देते हैं और 12 से 24 घंटे के बाद उनकी मृत्यु निश्चित ही हो जाती है। इसमें भी इंजेक्टिव एक्शन है, जिसे कि इसे स्प्रे करने पर यह कीटों के त्वचा में इंजेक्ट हो जाता है और कीटों के अंदर जाकर कीटों को मारता है। इसमें ट्रांसलेमिनार एक्शन भी है, जिसे कि इसे स्प्रे करने के बाद यह पत्तियों के ऊपर से नीचे की तरफ जाने की क्षमता रखता है, जिससे हमें यह फायदा मिलता है कि सफ़ेद मक्खी जैसे जो कीट पत्तियों के निचले साइड छिपे होते हैं वहाँ तक हमारा स्प्रे नहीं पहुँचता है तो भी यह उन कीटों को मार सकता है। फ्लोनिकामाइट कीटों की कार्डोटनल अंगों को बाधित करके कीटों को मारता है। तो किसान भाइयों, यह था अपाची कीटनाशक की काम करने का तरीका। अब जान लेते हैं अपाची कीटनाशक कौन कौन से कीटों को मारता है। तो अपाची कीटनाशक मुख्य रूप से एफिड, जेसी, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, मिलीबग, लीप माइनर, बोलवर्म, इसके अलावा स्टेम बोरर, फ्रूट बोरर, लीप फोल्डर, पोट बोरर जैसे कीटों को नियंत्रण करता है। कहने का मतलब यह है कि जो अपाची कीटनाशक है जिसमें फिप्रोनिल 15%, इसी के साथ फ्लोनिकामाइट 15%, यह मुख्य रूप से सभी प्रकार के सकिंग पेस्ट और जो चबाने वाले कीट होते हैं जैसे कि तनाछेदक इल्ली, फली छेदक इल्ली, पत्ता लपेटा इल्ली, इनको बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण करता है। किसान भाइयों, क्रॉप स्प्रे की बात करें तो UPL कंपनी अपाची कीटनाशक को मुख्य रूप से कपास, सोयाबीन, धान, गेहूं जैसे फसलों के लिए रिकमेंडेड करती है, लेकिन इसे आप लगभग सभी प्रकार के सब्जी वर्गीय फसल, अनाज वर्गीय फसल और बागवानी फसलों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। वहीं इसकी रिकमेंडेड डोज की बात करें तो अपाची कीटनाशक को बेस्ट रिजल्ट के लिए प्रति एकड़ 160 ग्राम 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करना चाहिए।
और प्रति पंप 14 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर के स्प्रे करना चाहिए। 20 लीटर वाले पंप के लिए आपको 16 ग्राम अपाची कीटनाशक को लेना चाहिए। अपाची कीटनाशक की रेन फास्टनेस 1 घंटे का होता है। इसको स्प्रे करने के बाद फसल और कीटों के ऊपर काम करने के लिए 1 घंटे का समय लगता है। अपाची कीटनाशक की रेसिडुअल एक्टिविटी 90 दिन की होती है। जब हम इसे स्प्रे करते हैं तो यह हमारे फसलों पर 90 दिनों तक काम करता है। 90 दिनों तक कीटों को नियंत्रण करके रखता है, क्योंकि इसमें फिप्रोनिल है और फिप्रोनिल का जो रेसिडुअल एक्टिविटी है यह 90 दिन का होता है। यदि आप लोगों ने अभी तक रीजन कीटनाशक का जो वीडियो है वह नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें जो फिप्रोनिल है उसके बारे में पूरा जानकारी बताया गया है। इसी के साथ अपाची कीटनाशक को स्प्रे करने के बाद इसका रिजल्ट हमें 24 से 48 घंटे के बाद देखने को मिल जाता है। किसान भाइयों, कम्बिनेशन एंड स्टेज की बात करें तो अपाची इंसेक्टिसाइड को किसी भी फसल में किसी भी स्टेज पर स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपको किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। वही कम्बिनेशन की बात करें तो इसे आप दूसरे इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड दोनों के साथ कम्बिनेशन कर सकते हैं। और आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपको जो टॉनिक आते हैं, जो NPK खाद आते हैं, इनके साथ कम्बिनेशन नहीं करना चाहिए। अब अंत में जान लेते हैं इसकी पैकिंग व प्राइस क्या है। तो अपाची कीटनाशक आपको 80 ग्राम 160 ग्राम के पैकिंग में मिल जाएगा। वही इसकी कीमत की बात करें तो 160 ग्राम का जो पैकिंग है यह 1500 रुपये के लगभग में मिल जाता है। इसकी कीमत पर अलग अलग राज्यों में 5 से 10% तक कम या ज़्यादा हो सकती है। यह आपके तरफ कितने प्राइस पर अवेलेबल है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।